लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज अर्थसंकल्पावरच्या चर्चेत सरकारचा हा अर्थसंकल्प शेतकरी युवा महिला लघु उद्योजक अशा घटकांना अधिकाधिक दुर्बल करणारा आहे अशी टीका केली। अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या 20 अधिकाऱ्यांमध्ये ओबीसी आदिवासी आणि दलित असे अधिकारी कोणीही नव्हते, त्यामुळे त्यांनी देशाच्या संपत्तीचं वितरण केवळ 20% लोकांमध्ये एकवटलं आहे असा आरोप त्यांनी केला। केवळ मुठभर लोक देशाचं अर्थकारण चालवत आहेत, कोट्यवधी लोकांना मूलभूत अधिकारही मिळत नाहीत असंही राहुल गांधी म्हणाले। गरीब वंचितांसाठी सरकारनं एक चक्रव्यूह तयार केला आहे असं सांगत इंडी आघाडी तो चक्रव्यूह भेदून जनतेच्या हातात अधिकार देईल असंही त्यांनी सांगितलं। जो एज्युकेशन बजेट में पैसा देना चाहिए था वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यू, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ।